हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सबसे पहले तो चैत्र नवरात्रि की आपको सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके बाद गुड़ी पड़वा, आज गुड़ी पड़वा भी मनाया जाता है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। प्लस हिंदू नववर्ष है आज, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का पूरा साल मंगलमय हो। माँ दुर्गा ऐसे ही कृपा बनाए रखे सब पे, सारी जो भी कठिनाइयाँ हैं सबको पार कर दें, मेरी यही कामना रहेगी। और भगवान हमारे परिवार को भी ऐसे हंसता खेलता रखे। अभी 10:15 हो गया, अभी हम लोग नहाए भी नहीं है, और आज तो मेरा फास्ट है, तो बिना नहाए पूजा किए तो कुछ खाना पीना भी नहीं है। तो अभी तो मैं बाहर से फल फ्रूट्स फूल दूध सब लेकर आया हूँ, तो अभी नहाएंगे क्योंकि अभी झाड़ू पोछा जस्ट लगा है। तो अभी जस्ट नहाऊँगा, उसके बाद पूजा करूँगा, भगवान की आरती करूँगा माता जी की, फल फूल चढ़ाऊँगा, उसके बाद ही मैं फल फूल कुछ ग्रहण करूँगा। तो मैं बाबू नहाने की तैयारी कर रहे हैं। बाबू बाथरूम में नहाने गया था तो इसने वो तोड़ दिया टैप, ये पानी का टैप था, ये तोड़ दिया इसने। अब पता नहीं कैसे नहाएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन बाबू ने ये तोड़ दिया। तो अब ये हो सकता है कि बाबू नहीं नहाएगा, मैं नहा लूँगा। तो मैं नहा के पूजा करूँगा, आरती करूँगा और घंटी बजाऊँगा, माता जी की पूजा करूँगा। लेकिन बाबू ये कर नहीं पाए क्योंकि बाबू ने थोड़ा तोड़ के फेंक दिया। चलिए, 10:15 ऑलरेडी हो गया, मैं तुरंत नहा के अपने मंदिर की सफाई करता हूँ अच्छे से, थोड़ा अच्छे से फोटो वोटो साफ करके, जगह को साफ करके फिर पूजा को स्टार्ट करता हूँ। नहा के फ्रेश हो गए हैं, मंदिर की सफाई भी जारी है। थोड़ा बहुत यहाँ पे था उसको अंतिका ले गई, क्लीन करें, माता जी की फ़ोटो आगे कर दी है, बाकी भगवान जी की अभी हम लोग को सही करना है। थोड़ा सा फ़ोटो पर ही अरेंज करेंगे, श्री राम जी की फ़ोटो साइड में थोड़ा सा एडजस्ट करके माता जी की फ़ोटो को भी आगे लाएंगे, फिर उसके पूजा पाठ करेंगे। तो चलिए करते हैं ये सब चीज़ें पहले। माइलो कहाँ है? माइलो आरती ले लो, माइलो अंदर होगा, वो दिखाता हूँ। कुछ देर पहले तो वहाँ छुपा था उसके नीचे टेबल के अंदर, नहीं अंदर नहीं। माइलो लगा, टीका लगा दो, माइलो को भी लगा दो जी, माइलो को भी लगा दो भाई, भगवान जी का आशीर्वाद दे दो माइलो को भी। माइलो गुड बॉय, ग्यारह बज गया है, 11 बजे हम लोग की पूजा हो गई है, बहुत अच्छे से पूजा हुई है। अब कुछ खाने का समय है, तब तक अवंतिका मखाना दाना चाय बना रही है। उसके पहले विवान, इसका तो फास्ट नहीं है, इसका कोई व्रत नहीं है, तो ये अपनी का कुछ कुछ दिनों पर मिलता है, हमेशा नहीं मिलता है,
महीने में एक बार मिल जाता है, तो आज हमने सोचा कि चलो अच्छा हम लोग का फास्ट है तो इसको ये खिलाते हैं ब्रेकफास्ट में। तो ये बैठा है अपना टीवी देख रहा है और इसको मैगी खिलाते हैं। मैगी नूडल्स, यस आपका फेवरेट है। ठंडा हो गया है ना बाबू, देख मैं तो टेस्ट। ठंडा है ना, यू लाइक इट। चलो भाई विवान मैगी खाते हैं, मेरा भी नाश्ता बनता है। तब तक इसका ये फिनिश हो जाएगा, मेरा रास्ता है तो मैं भी नाश्ता करूँगा। भूख बहुत तेज लगी है, उसके पहले यार मैं सोच रहा गर्म पानी पी लूँ, लेकिन सोच रहा हूँ खिला दूँ पहले इसको ये मैगी, उसके बाद फिर अपना बॉटल वोटल साफ करके उसमें आज गर्म पानी भरूंगा क्योंकि गला खराश है। अच्छा बादाम खा सकते हैं, उसके पहले बादाम छील के ये इससे खा सकते हैं। बादाम भी खिलाएंगे तुम्हें, पहले भी तो मैगी खा लो फिर बादाम खिलाएंगे। सब एक के ऊपर ना खाओ, एक के ऊपर एक ना खाओ। खाली हो क्या तुम अपने वाला? खाली हो तो चलो अभी मैगी तुम्हारा फिनिश करना है ना, मैगी खाना है। मैगी खा के फिर बादाम खाएं। हाँ मैगी खा के खाना तुम। चलो इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, यहाँ पे पूरा सूख गया है। हम लोग सूख जाते हैं और प्लांट तो एक दिन में सूख जाता है। ये क्या, ये पूरा निकल आया। हाँ यार बकेट का ये टूट गया है, टूट गया। वेस्ट ना करना पानी, उसमें डालो पानी, बिल्कुल बाहर नहीं गिरना चाहिए। ये देखो सारे यार, अभी मैंने कल ही पानी डाला था और कितना ज्यादा सूख जाते हैं ये, एक दिन में सूख जाता है। बहुत ड्राइनेस है, बहुत धूप है, गर्मी बहुत ज्यादा है, सब ड्राई हो जाता है क्या। हाँ इसमें आ रहा है कुछ फ्लावर और उसमें भी आने लगा, मैंने जब साफ किया ना। हाँ मतलब उसमें, इसमें मैंने पानी डाला था, पानी नहीं वो पूरा वो लग गए थे ना, कीड़े लग गए वो वाले आम का, वो वाला जो साइड वाला है उसको निकालना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। बाकी ये अच्छा है मेरा करी लीव्स, इसको भी थोड़ा सा इसमें खाद वाद डालना पड़ेगा। बनाना लीव्स में खोद के इसमें खाद डाल देंगे, ये सही हो जाएगा। बनाना देंगे बेटा, पहले लीव, सब प्लांट में पानी डालो। और आज अच्छा दिन है, सबको पानी डाल दो, आज पुण्य का काम करो, प्लांट से पानी डालो। वो भी बहुत प्यास, वो भी बहुत प्यासे हो जाते हैं ना, वो अपने आप टूट गया बेटा, इसको डिस्कार्ड कर देंगे है ना। प्लांट्स भी बहुत प्यासे हो जाते हैं, उनको भी पानी पिलाना जरूरी है ना इतनी गर्मी में, उनको भी थोड़ा थोड़ा पानी पिलाओ। उसमें ऑलरेडी है, नीचे ना गिराओ बेटा, पानी पिलाओ। मैं एक मग और लेके आता हूँ, मैं भी डालता हूँ थोड़ा पानी। चलो मैं भी डाल देता हूँ थोड़ा, ये कॉर्नर के प्लांट्स में मैं डाल देता हूँ। ये कॉर्नर के प्लांट्स नहीं, कॉर्नर में तुम डाल नहीं पाओगे ना, तो कॉर्नर के प्लांट्स में मैं डाल देता हूँ छोटे छोटे, है ना, ये अच्छे हैं। अब तुम डाल दो, अब सब में डाल दो। अब जाओ ना। मैं जाऊँ? मग लेके जाना नहीं। मग यहाँ रख दूँ? डालो तुम, डालो जाओ, डाल के आ जाना ठीक है। चलो विवान मेरा ये काम हल्का कर देगा, प्लांट से पानी डाल देगा। मैंने ऊपर के जो कॉर्नर में थे, जिस जहाँ तक इसकी रीच नहीं होती वहाँ मैं डाल दिया था, बाकी ये जो फ्रंट वाले प्लांट्स थे उसमें वो पानी डाल दे रहा है। तो अच्छा बच्चा है, काम में हेल्प करा देता है, थोड़ा गंदगी करता है बट ठीक है, बच्चा है, ऐसे करके धीरे धीरे सीखेगा। अभी जैसे रोटी खाया थोड़ा स्ट्रांग हुआ है, अभी चलता हूँ मैं भी, मेरा भी मुँह सूख गया है। गर्म पानी पीऊँ क्योंकि थोड़ा सा ठंडा पानी पी लेता हूँ तो खांसी आ जाती है। जो था मेरी बॉटल का गर्म पानी खत्म हो गया, तो मैं थोड़ा सा और बॉयल करता हूँ, उसको पीता हूँ यार। अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें उसमें प्लांट वाटर डालने के लिए किया था ना, तुम ये पूरा बालकनी में पूरा वाटर फैला दिए हो, इसको कौन साफ करेगा? कौन साफ करेगा? पूरा तुम गंदा कर दिए हो ये, इसीलिए तुम्हें देते हैं यहाँ पे। अब तुम्हें नहीं देंगे वाटर में प्लांट डालने के लिए, अब नहीं देंगे, पक्का नहीं देंगे। तुम चलो चलो आ जाओ इधर, मैं बालकनी बंद करूँ, वो सूख जाएगा, अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है तो। चलो आ जाओ। अरे 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 मग टूट जाएगा तो झापड़ मारूंगा मैं, अगर मग टूट गया, अगर मग टूट गया तो कैमरा तोड़ोगे? कैमरा तोड़ोगे? नो कैमरा, तुम शैतानी करते हो कहते हो। हाँ थोड़ा रो दो, रो के अंदर जाओ, रोगे तो अंदर जाओगे। अगर तुमने फेंका, तुमने अगर फेंका, मैं बुला लेता हूँ पहले डॉक्टर, जो उन्होंने बोला था जो शैतानी करेगा बता देना। हाँ रो के अंदर आओ, रो के अंदर आओ। वहाँ क्या करोगे अब? पानी तो खत्म हो गया, मग भी तोड़ दिया तुमने, इसने बकेट भी तोड़ दिया विवान ने, और इसने पूरा मग भी तोड़ दिया, और पूरी गंदगी कितनी ज़्यादा फैला दी है आज। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता इसका।
सब लोग देख रहे हैं, सब लोग तुम्हारा शैतानी देख रहे हैं। ठीक है, बाय बाय। किसको बाय कर रहे हो? डैडी को बाय बाय। 12-1 बजे तक उतनी गर्मी नहीं होती जितना 4 बजे हो जाती है। तो अभी मस्त हम लोग एसी ऑन किए हैं, पूरा रूम बंद किया, अंधेरा किए हैं, और मैं सब लोग हम लोग रूम में आ गए हैं। क्या करने हैं? थोड़ा रेस्ट करने हैं, थोड़ा आधा घंटा एसी में हम ठंडे होंगे, उसके बाद कहीं घूम चलेंगे। कहाँ चलेंगे? कहाँ? डॉक्टर के पास। क्यों जाना है डॉक्टर के पास? नहीं जाए बिना किसके? मामा के पास, डैडी के मामा के पास। डैडी के मामा के पास चलेंगे भी थोड़ी देर में, मस्त मजे करके आएंगे डैडी के मामा के पास। डैडी के मामा के पास तुम गए थे ना कुछ दिन पहले, मजा आया था? नहीं, नहीं? तो वो मजा नहीं आएगा। तो कहाँ जाना है? मामा के घर। चलो थोड़ी देर आराम करेंगे हम मस्त एसी में, उसके बाद निकलेंगे कहीं घूमे घूमे करने। अरे वाह भैया, कितना अच्छा बच्चा है मेरा। अभी लेग मालिश कराया मस्त, उसके बाद हेड मसाज करा रहा बाबू। मजा आ रही है? ऑयल लगाना चाहिए ना? नहीं, उल्टा बोलोगे यार तुम, उल्टा बोलोगे, उल्टा बोलोगे। जब सर पे मसाज करा लेते हैं तो अच्छा लगता है, फिर नींद अच्छी आती है ना, सारी थकावट उतर जाती है, बाल अच्छे रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, सर दर्द नहीं होता है। क्या नहीं होते हैं? सोने के लिए अच्छा नहीं रहता है। अबे नहीं, मसाज करने से नींद अच्छी आती है? नहीं आती है। अरे तुमको क्या पता, थोड़े बड़े हो और पता चलेगा, अभी कराते नहीं हो। अभी कहाँ भाग रहा है बेटा? तो तुम जा रहे हो टॉय? अच्छा टॉय लेकर आ जाओ, टॉय लेकर आ जाओ। अच्छा आ जाओ, लेकर आ जाओ, अपने टॉय से अलग नहीं हो सकते हैं। कार वार ले आओ। क्या कार लाना है, ट्रैक्टर लाना है, क्या लाना है? जाओ लेकर आओ, जाओ लेकर आओ, साथ में हम लोग यहाँ खेलेंगे। ऐसे उसको पुश करके, उसको दबा के खींचो अपनी तरफ। जबरदस्ती कर रहा है, पुश करके दबाओ, पुश करो पहले। पता है लेकिन तब भी नी से पुश करो दरवाजे को, पैर से नहीं बेटा। आएंगे नहीं तुम्हें, करना करो नहीं करना ना करो। हाँ, पुश करो। नौटंकी करता है ये, आता है ओपन करना, ना करो, कोई नहीं जाएगा, छोड़ो। खेलो खेलो खेलो। शाम को हम लोग चले आए नीचे पार्क में, थोड़ा फ्रेश एयर लेने। दिन में घर में, दिन भर घर में बैठे बैठे ऊब गए थे, तो विवान के साथ नीचे चले आए पार्क में खेलने। कई सारे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। वेरी गुड, चलो जाओ बेटा, स्लाइड करो स्लाइड। क्या फेंका? क्या था? गंदगी था। नीचे से कुछ छूते क्यों? मिट्टी है ये। एक ये उठाओ पेपर, ये उठाओ, ये उठाओ, इसमें पोछो, इसमें पोछो, हाँ इसमें सही से पोछो। नीचे से कुछ उठाना नहीं, छूना नहीं, ठीक है? पेपर से पोछो, मैं पोछ दूँ। तुम नीचे के छूते क्यों हो? लो, नीचे का कुछ छूना नहीं, मिट्टी है बेटा, मिट्टी है, होने दो, बाद में साफ कर लेंगे। जाओ खेलो, जाओ खेलो, बाद में साफ करेंगे। नीचे का कुछ छूना नहीं, ठीक है? जाओ जाओ जाओ, स्लाइड करो। नीचे से टहल के आ गए हैं, आ गए तो उनको थोड़ा मतलब भूख लग गई थी, तो उन्होंने कहा था कि जूस पियेंगे, जूस मतलब दूध पियेंगे। तो चलता हूँ यार, थोड़ा दूध इनके लिए बना देता हूँ, इतना दूध मस्त। अभी पता नहीं दूध के बाद कुछ खाए पिए पता नहीं, लेकिन दूध मांग रहा, तो जो मांग रहा है वो तो कम से कम दे देते हैं। तो दूध में गर्म करके पिलाता हूँ इसको, थोड़ी एनर्जी इसकी रिगेन करते हैं। चलो विवान ने अपना जूस फिनिश कर लिया, स्ट्रॉबेरी वाला, मतलब उसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाल के दूध पी लिया। अभी नेक्स्ट फरमाइश क्या है? वाटरमेलन जूस। तो अभी मैं जा रहा हूँ वाटरमेलन जूस, मेरा यार वाटरमेलन पापाया वाला, दिस इज, ये एग मंगाया था, अभी इसमें से तीन ही फ्रिज हुआ था। जूस पपाया वाला है। ओके, मम्मा का जूस पपाया वाला है। तो ये एग मुझे हटाना पड़ा क्योंकि जब तक ये पूरा नवरात्रि चल रहा है तब तक ये मैं एग तो खा नहीं पाऊंगा, तो इसको किसी को दे देता हूँ मैं जो खाता होता हो, बट इसको मैं हटा दूंगा। अभी ये इतना चना बचा नहीं, उसने दूसरे डब्बे में चना डाल दिया है, तो इसको यूज़ करेंगे, इसको हटाते हैं, पूरा बर्तन इधर उधर फैले पड़े हैं।
ये ब्रेड है मेरा, ये कुकीज, ये टिफिन। सामान ज़्यादा है, जगह कम है, पता नहीं क्यों अवंतिका बढ़ती जाती है, सामान समझ में नहीं आता यार। ये भी काफ़ी गंदा हो गया यार। पहले मैं इसको साफ़ करता हूँ यार, इसको कितना गंदा है। उसके बाद पूरा सामान उसका, इसके जो और सामान है उसको भी निकाल के क्लीन करना पड़ेगा। पहले इसको साफ़ करें यार। जूस पूरी तैयारी हो गई, ये सब मैंने पूरा अच्छे से धुल के इसमें लगा दिया है, ये भी धुल दिया है, और ये मैंने ये देखी वाटरमेलन पूरा अच्छे से काट दिया है। बस जस्ट इसका प्लग लगाना है। ये दिस इज ऑन, लाइट क्यों नहीं जल रही? नहीं जलती है क्या? ये पानी गिर रहा है, धुला था इसलिए थोड़ा सा पानी, पर साफ है, कोई बात नहीं। चलिए मस्त वाटरमेलन जूस बनाता हूँ मैं। ये देखो एक पूरा जग भर के ये जूस बन गया है, और एक वाटरमेलन काटा है, ये करीब तो 2.5 किलो का था, ये पूरा जग भर के हो गया है। मतलब फ्रेश जूस घर का, विदाउट पानी कुछ भी नहीं। इसमें थोड़ा सा अपने सेंधा नमक डालेंगे, उसको पीते हैं। पहले मैं थोड़ा इधर क्लीनिंग कर लूँ, इधर ये सब भाई ताले वाली क्लीन कर दूँ, इसको साइड में कर दूँ, इसको थोड़ा साफ़ कर दूँ, उसके बाद फिर ये सबको देता हूँ, सर्व करता हूँ। ये देखो भैया वाटरमेलन जूस रेडी है, एक अवंतिका का, एक मेरा, एक बाबू का, तीनों लोग का रेडी है। ये आलू मेरा है, अवंतिका का है, अगर बाबू को खाना होगा तो इसमें से खा लेगा। खाना है आलू? नहीं, नहीं खाना, मुझे पता था। तो सबसे पहले जूस हम सब लोग लेंगे, चीयर्स करेंगे, ठीक है? चलो ये बाबू आप पकड़ो पहले, एक मम्मा पकड़े, चलो चीयर्स। खुद से नहीं, ओ स्ट्रॉ से पियो, स्ट्रॉ से पियो, जैसे सब लोग पी रहे हैं। मस्त है वाटरमेलन जूस। रिफ्रेशिंग, बहुत अच्छा लग रहा है यार, ठंडा। इसमें कुछ बर्फ आइस कुछ नहीं डालना, फ्रिज में रखा था, वैसे ही ये ठंडा लग रहा है यार। थोड़ा इसका तासीर ठंडी होती है ना, तो इसलिए ठंडा मस्त लग रहा है। लो पियो 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 पियो। बताना बाबू, फीडबैक देना कैसा है? सही है, आप ये पूरा फिनिश कर सकते हो? यस, लीजिए पकड़िए, आप पीजिए। हाँ डैडी के हाथ से पियो, मैं साथ में अपना ये भी खाता हूँ यार, व्रत वाला आलू, भरत वाला आलू एक पीस और एक घूट। ये पूरी एनर्जी वापस आ जाएगी जो भी गई हुई है दिन में, काफ़ी देर से अगर नहीं खाया है तो। मस्त मज़ा आ रहा है, काफ़ी के वाटरमेलन जूस पी के बाबू सो गया है, मस्त यहाँ पे सो रहा है। हम लोग एक मूवी देखने लगे थे पर्रे, तो टाइम ज़्यादा हो गया, 10:15 बज गया है, और ये तो 9:09 से हो गया था, तब से हम लोग सुला आए थे। अब और क्या, माई लोग क्या कर रहे हैं, सबके रात हो गई, सबके सोने का समय हो गया है। माई लोग देखो भाई, अलग ही मजे है, बीच पे है ये, मुंह देखो कैसा बना रहा है, अलग ही बीच में मजे ले रहा है। उसका सारा सामान रेडी है, सब कुछ वहाँ पे है। अब हम लोग का भी सोने का टाइम हो गया, 10:15 बज गया, आज जल्दी सो सकते हैं, तो कल सुबह जल्दी उठ जाएंगे। खिलाओ खिलाओ खिलाओ, कल सुबह जल्दी उठाएंगे, फिर वही रोटी चालू हो जाएगा। कल से शायद इसका समर कैंप स्टार्ट हो, कल से इसका समर कैंप स्टार्ट हो रहा है बाबू का, तो देखते हैं सुबह उठ के उसको जल्दी स्कूल छोड़ के आते हैं। समर कैंप में कुछ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है वो कराई जाएगी, उसके लिए अभी सोना पड़ेगा, तभी सुबह उठेंगे। वैसे के साथ मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय श्री राम।